दोस्तों टेक्निकल प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है और मैं आपको आज इस वीडियो में टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स अंडर रुपीज 50,000 के बारे में रिकमेंडेशन देने वाला हूं, जो कि आप इस अगस्त 2020 में खरीद सकते हो। दोस्तों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। दोस्तों शुरू करते हैं हमारे लिस्ट में जो पांचवें नंबर पे जो लैपटॉप आता है वो आता है दोस्तों एचपी की तरफ से HP 250G7। जी हाँ दोस्तों, इस लैपटॉप की बात करें तो दोस्तों आपको इस लैपटॉप में एक 15.6 इंच की डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। साथ ही प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों आपको इस लैपटॉप में इंटेल का कोर i3 10th जनरेशन वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जिसकी क्लॉक स्पीड की अगर हम बात करें तो करीब 2.1 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास मिल जाता है, जिसको आप अप टू 4.1 गीगाहर्ट्ज़ तक भी बूस्ट कर पाएंगे। साथ ही जीपीयू की बात करें तो दोस्तों आपको इस लैपटॉप में इंटेल का इंटीग्रेटेड अल्ट्रा एचडी वाला जीपीयू प्रोवाइड किया गया है। एंड रैम की बात करें तो दोस्तों आपको इस लैपटॉप में 4GB की रैम मिल जाती है, साथ ही 512GB की एसएसडी भी प्रोवाइड की गई है। एंड वेट की बात करें तो दोस्तों ये लैपटॉप करीब आपको 1.49 केजी के आसपास मिल जाता है। एंड प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों ये लैपटॉप करीब आपको 40,990 रुपीज से मिल जाएगी। दोस्तों मैं जो जो लैपटॉप के बारे में आपको आज इस वीडियो में रिकमेंडेशन देने वाला हूं, उन सबकी थोड़ी बहुत डिटेल्स के साथ में बाइंग लिंक को भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों आप एक बार जाते जाते डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हमारी लिस्ट में जो चौथे नंबर पे जो लैपटॉप आते हैं वो आते हैं दोस्तों Asus की तरफ से Asus VivoBook Ultra K14। जी हाँ दोस्तों, इस लैपटॉप की बात करें तो दोस्तों आपको इस लैपटॉप में एक 14 इंच की डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। साथ ही प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों आपको इस लैपटॉप में इंटेल का कोर i3 10th जनरेशन वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जिसकी क्लॉक स्पीड की अगर हम बात करें तो करीब 2.1 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास मिल जाता है, जिसको आप अप टू 4.1 गीगाहर्ट्ज़ तक भी बूस्ट कर पाएंगे। एंड जीपीयू की बात करें तो दोस्तों आपको इस लैपटॉप में इंटेल का अल्ट्रा एचडी वाला जीपीयू देखने को मिल जाता है। साथ ही रैम की बात करें तो दोस्तों आपको इस लैपटॉप में 4GB की रैम मिल जाती है, साथ ही 512GB की एसएसडी भी प्रोवाइड की गई है। एंड वेट की बात करें तो दोस्तों ये लैपटॉप करीब आपको 1.40 केजी के आसपास मिल जाता है। एंड प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों ये लैपटॉप करीब आपको 47,999 रुपीस से मिल जाएगी। दोस्तों बढ़ते हमारी लिस्ट में जो थर्ड नंबर पे जो लैपटॉप आता है वो आता है दोस्तों Asus की तरफ से Asus ZenBook। जी हां दोस्तों, इस लैपटॉप की बात करें तो दोस्तों आपको इस लैपटॉप में एक 14 इंच की डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। साथ ही प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों आपको इस लैपटॉप में इंटेल का कोर i5 8th जनरेशन वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जिसकी क्लॉक स्पीड की अगर हम बात करें तो करीब 1.6 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास मिल जाता है, जिसको आप अप टू 3.4 गीगाहर्ट्ज़ तक भी बूस्ट कर पाएंगे। साथ ही जीपीयू की बात करें तो दोस्तों आपको इस लैपटॉप में इंटेल का अल्ट्रा एचडी 620 वाला जीपीयू प्रोवाइड किया गया है। एंड रैम की बात करें तो दोस्तों आपको इस लैपटॉप में 8GB की रैम मिल जाती है, साथ ही 256GB की एसएसडी भी प्रोवाइड की गई है। एंड वेट की बात करें तो दोस्तों ये लैपटॉप करीब आपको 1.3 केजी के आसपास मिल जाता है। एंड प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों ये लैपटॉप करीब आपको 47,990 रुपीस से मिल जाएगी। दोस्तों बढ़ते हैं हमारी लिस्ट में जो सेकंड नंबर पे जो लैपटॉप आता है वो आता है दोस्तों Xiaomi की तरफ से Xiaomi का Mi Notebook 14। जी दोस्तों, इस लैपटॉप की बात करें तो दोस्तों आपको इस लैपटॉप में एक 14 इंच की डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। साथ ही प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों इस लैपटॉप में आपको इंटेल का कोर i5 10th जनरेशन वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जिसकी क्लॉक स्पीड की अगर हम बात करें तो करीब 1.6 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास मिल जाता है, जिसको आप अप टू 4.2 गीगाहर्ट्ज़ तक भी बूस्ट कर पाएंगे। साथ ही जीपीयू की बात करें तो दोस्तों आपको इस लैपटॉप में इंटेल का इंटीग्रेटेड अल्ट्रा एचडी वाला जीपीयू प्रोवाइड किया गया है। एंड रैम की बात करें तो दोस्तों आपको इस लैपटॉप में 8GB की रैम मिल जाती है, साथ ही 512GB की एसएसडी भी प्रोवाइड की गई है। एंड वेट की बात करें तो दोस्तों ये लैपटॉप करीब आपको 1.5 केजी के आसपास मिल जाता है। एंड प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों ये लैपटॉप करीब आपको 46,999 रुपीस से मिल जाएगी। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे लिस्ट में जो फर्स्ट पोजीशन पे जो लैपटॉप आता है, जिसको मैंने टॉप मोस्ट लाइनअप पे रखा है, वो आता है दोस्तों Lenovo की तरफ से Lenovo का IdeaPad Slim 3i। जी हां दोस्तों, इस लैपटॉप की बात करें तो दोस्तों आपको इस लैपटॉप में एक 14 इंच की डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। साथ ही प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों आपको इस लैपटॉप में इंटेल का कोर i5 10th जनरेशन वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जिसकी क्लॉक स्पीड की अगर हम बात करें तो करीब 1 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास मिल जाता है, जिसको आप अप टू 3.6 गीगाहर्ट्ज़ तक भी बूस्ट कर पाएंगे। एंड जीपीयू की बात करें तो दोस्तों आपको इस लैपटॉप में इंटेल का अल्ट्रा एचडी वाला जीपीयू प्रोवाइड किया गया है इंटीग्रेटेड। साथ ही रैम की बात करें तो दोस्तों आपको इस लैपटॉप में 8GB की रैम मिल जाती है, साथ ही 512GB की एसएसडी भी प्रोवाइड की गई है। एंड वेट की बात करें तो दोस्तों ये लैपटॉप करीब आपको 1.6 केजी के आसपास मिल जाता है। एंड प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों ये लैपटॉप करीब आपको 49,990 रुपीस से मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स अंडर रुपीस 50,000 टू बाय इन अगस्त 2020 का लिस्ट पसंद आया होगा। दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।